हाँ, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बच्चों इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन के अभी शुरुआत दौर में थोड़ा हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं मैटर। तो शुरुआत में हमने आपको जो फार्मूले दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। 18.13 पेज पर एग्जाम्पल नंबर 12 है और ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में, x स्क्वायर के। और हम लोगों ने आज तक x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं सुना। आज तक क्या, अभी आपने तक का मैटर नहीं है, तो बहुत कम समय हुआ इंटीग्रेशन में बच्चों। मैटर ये है, जरा देखिए, अगर ये होता है x की पावर n dx तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और t की पावर n dt, तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन बच्चों n प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। अगर t की पावर n का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है तो वो हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन यहाँ dx है, यहाँ dt है, ऐसा नहीं है कि x स्क्वायर के, ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, ये t के रेस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है कि x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आपने कभी सुना हो या t स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बच्चों आपने सुना। इसीलिए मैंने x स्क्वायर को t ले लिया, लेकिन ये जो x स्क्वायर को t लिया गया है ये भी यहां पर इस तरीके से लिया गया है कि ये चेंज हो गया t स्क्वायर में और x स्क्वायर t में और 1 1 में है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद फिर हम देखिए एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में ये dt और ये t dt और ये 1 into dt, ये हो गया बच्चों। और बच्चों ये हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस t प्लस c बच्चों, ये आ गया। अब इस t को एंड में x में चेंज कर दीजिए, किसमें चेंज कर दीजिए बच्चों, x में, और ये t की पावर जो 3 है बच्चों वो हो जाएगी x की पावर 2 का होल क्यूब अपॉन 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर प्लस c हो जाएगा, ये आ गया। तो ये हमारा सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन फिलहाल तो बन गया है बच्चों इस समय हमारे पास, ठीक है, कि t को किसमें चेंज कर दिया बच्चों, x में चेंज कर दिया है। तो अब इसके बाद जो है वो एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए। लेकिन यहां पर अगर x स्क्वायर को t लिया है तो सब चेंज हो जाएगा और इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में होने के बाद फिर t को x में चेंज कर दीजिए, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो एग्जांपल है वो सिर्फ यहीं पर पाया जाएगा, फिर उसके बाद वो कभी नहीं मिलेगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 13 में ये कहा गया है f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x क्यूब। ये कहा गया है कि f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x क्यूब है बच्चों, ठीक है। और ये कहते हैं f1 अगर 0 है तो fx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जरा इसे ध्यान से समझिए और सुनिए, यहां f'x बच्चों दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x क्यूब और आपसे कहा गया है कि f1 अगर 0 है तो fx की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सॉल्यूशन में ये तो गिवन है, ये जो सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है और बच्चों गिवन में एक चीज और है कि f1 0, f1 0 को रीड करिए, fx at x equal to 1 0 है, fx at x equal to 1 0 है,
एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन पर कितनी है, जीरो। एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन जीरो है। तो बच्चों ये सोल्यूशन में ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब कहेंगे ये फार्मूला सर कहां से आ गया, वी नो करके लिखा जाएगा। यहां पर चाहे लिख लीजिए वी नो, ठीक है। अब आप कहेंगे ये सब कैसे आ गया सर, हमने आपको सबसे पहला फार्मूला यही बताया है कि अगर एफ डैश एक्स डी एक्स है और डी वाई डी एक्स है, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स प्लस सी, और ये अगर एफ एक्स आ गया या यहां पर एफ एक्स है और ये फाइव एक्स आ गया, बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा अब मेरी बात ध्यान से यहां पर आप समझ लीजिएगा कि ये फार्मूला कहां से आया, कि अगर डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, मैंने फाइव एक्स बताया कुछ भी बताया, लेकिन अगर मैंने तो फंक्शन बदल के वहां पर बताया था कि फंक्शन बदल गया और फाइव हो गया, लेकिन अगर सिंबल की फॉर्म में इसको लिखा जाएगा तो सिंबल की फॉर्म में बच्चों ये होता है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, और सी का डिफरेंशिएशन बच्चों जीरो हो जाएगा। सी का डिफरेंशिएशन बच्चों जीरो हो जाने के बाद वहां जरा समझिए, dy dx ऑफ fx + c मैंने पहली लाइन में बोला था इंटीग्रेशन में phi x होता है, phi x fx का डिफरेंशिएशन है, लेकिन वो मैंने फंक्शन phi कर दिया था कि अगर x की पावर n है तो वो x की पावर n जो है डिफरेंशिएट होके n x की पावर n माइनस वन में बदलता ही है बच्चों। लेकिन अगर यहां पर सिंपल टू सिंपल एफ एक्स में करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स। तो और फिर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी, ये लर्न करिए, ठीक है। यही तो था फाइव एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी, तो यहां एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा बच्चों। यही यहां पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स। और आप कहेंगे सर सी कहां चला गया, मर्जी आपकी, आप सी लगा लीजिए, वी नो। इसे देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी है, और बच्चों एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब और डी एक्स, और बच्चों ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स प्लस सी में वो बाद में निपटेंगे। यहां पर अगर आप सी लगा चुके हैं तो अब इधर सी नहीं लगाएंगे, और यहां पर सी नहीं लगाए तो यहां सी लगाइए, क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, सी लग चुका है तो अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, आप सी मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि तो सी पहले ही बच्चों लग चुका है। अब ये हो जाएगा थ्री, और बच्चों एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस टू वन अपॉन एक्स क्यू डी एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद बच्चों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इतना सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे अब तक, ठीक। ये फार्मूला समझ चुके होंगे कि एफ डैश एक्स डी एक्स एफ एक्स प्लस सी कैसे होता है, क्योंकि एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। वहां मैंने फाइव एक्स लिखा था पहले, जब पहले दिन समझाया था, एफ वन जीरो को रीड करते हैं एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, बच्चों जीरो होता है, और बच्चों फिर इसके बाद ये हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस टू, और ये बच्चों ये जो है x की पावर माइनस थ्री डी एक्स हो जाएगा, x की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू, ये हो गया। तो बच्चों ये हो जाएगा x की पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू, और एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा बच्चों, ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक। और ये हो जाने के बाद क्या होगा कि थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा एक्स क्यूब, और टू से टू कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी हो गया, ये आ गया। अब हम यहां पर बच्चों सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और सी की वैल्यू हो जाएगी कैसे,
सब में निकलेगी इस टाइप के क्वेश्चनों में। इस टाइप के क्वेश्चन फिर आगे बिल्कुल कभी नहीं मिलेंगे पूरी इंटीग्रेशन में। ये इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन होते ही नहीं है, ये तो यहां बना हुआ है। लेट कर लेते हैं x1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब भी 1, f1 प्लस c, और ये बच्चों 2 हो गया f, f1 0 हो गया। यहां इसीलिए x1 रखा ताकि f1 की वैल्यू 0 लगा सके, और इसे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 डाल लिया। f1 बच्चों 0 हो गया, यहां x इसीलिए 1 लगाया था ताकि f1 0 लगा सके, तो c इज इक्वल टू बच्चों 2 हो गया, तो c 2 हो गया, और c ये जो f1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ये c ही निकालने के लिए बच्चों दे रखा है। क्या निकालने के लिए दे रखा है? c, और c निकल के जब आ गया बच्चों, तो फ्रॉम फर्स्ट x क्यूब प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2। बुक पे मत आइएगा, आंसर बुक के अकॉर्डिंग ही आएगा, लेकिन c की वैल्यू चेंज नजर आ सकती है। उन्होंने c अगर लेफ्ट साइड में लगा लिया, और फिर एफ एक्स की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी हो गई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और बच्चों माइनस 2, ये आ गया एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2। ये बात आपको हमारी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग 10.18.2 के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं 18.2 के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बच्चों बता रहा हूं, और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए क्या हैं कुछ। तो बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 18.2 की तरफ बढ़ते हैं, और बच्चों एक्सरसाइज 18.2 की तरफ बढ़ने पर ये होगा कि एट एग्जांपल में ये कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर लॉग एक्स प्लस ई अपॉन 2 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। x स्क्वायर प्लस e की पावर log x प्लस e अपॉन 2 की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये बच्चों हम लोग तीनों अलग अलग कर लेंगे, x स्क्वायर e की पावर log x और e अपॉन 2 की पावर x, ये सब अलग अलग कर लिया बच्चों हम लोग। और बच्चों हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर log सिर्फ log x लिखा है तो इसे बेस ई माना जाएगा। ये कैलकुलस में हमेशा कैलकुलस का मतलब होगा, सब बातें समझते चलिए, ऐसे पढ़िए जैसे आप सामने बैठे हो। कैलकुलस का मतलब होता है, अभी थोड़ा सा बीच में मुझे दिक्कत हो गई थी, कैमरा और मोबाइल सब दिक्कत करने लगा था एकदम, तो फिर मैंने बहुत सारे रूटीन को चेंज कर दिया है, उस हिसाब से आप देखिए। अब देखिए अब नए तरीके से फिर से आइए, और थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसके लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए। और मेरा कहने का मतलब है कि कैलकुलस का मतलब क्या है। कैलकुलस का में अगर बुक लेंगे कोई कैलकुलस की 12th की, तो पहला जो चैप्टर होगा वो होगा लिमिट, फिर होगा कंटिन्यूटी, फिर होगा डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होगा, यानी जिसमें डिवाइड x लगा होगा या इंटीग्रेशन का साइन लगा होगा बच्चों। बाकी उससे पहले बस दो चैप्टर और होते हैं, लिमिट और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी उसी में है, ठीक है, कोई नो मैटर, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलस का एक पार्ट है, और कैलकुलस में बच्चों जो बेस होता है, बेस अगर नहीं दिया है तो बेस ई माना जाएगा, और दे रखा है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अलजेब्रा में बेस हमेशा 10 माना जाता है। अलजेब्रा आप जानते हैं अलजेब्रा मैथ का एक पार्ट है, कैलकुलस भी एक मैथ का पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलस में बेस ई माना जाएगा अगर नहीं लिखा हुआ है, और अलजेब्रा में हमेशा बेस 10 माना जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये बेस मैंने ई कैसे लगा लिया, और जो फार्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग ये और ये इक्वल है, तो सिर्फ एक्स रह जाएगा बच्चों, और एक्स रह जाने के बाद यहां पर आ जाएगा ई अपॉन 2 की पावर एक्स डीएक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और e अपॉन 2 की पावर x, a की पावर x का फार्मूला लगेगा, और a की पावर x होती है e by 2 की पावर x, और log a to the base e,
log k टू द बेस की और बच्चों प्लस सी। तो ये क्वेश्चन यहां पर पूरा हो गया बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log a टू द बेस e। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 25 हमारे बोर्ड पर आ गया है, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टू, और ये बच्चों डीएक्स, ये इंटीग्रेशन हो गया, फुल स्क्वायर खोल दिया। अब हमें ये पता है टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों होता नहीं है, तो इसे चेंज कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ना कॉट स्क्वायर एक्स का होता है इसे चेंज कर लेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और बच्चों प्लस टू, और इसके बाद ये टू और ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। और बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने सुना है कि ये होता है टेन एक्स, और टेन एक्स होने के बाद इसका होता है बच्चों माइनस कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स का और प्लस सी, सी एक ही बार लगता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है बच्चों इंटीग्रेशन, और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, और फिर उसके बाद प्लस सी बच्चों लग जाएगा। और अब आगे देखिए एक एग्जांपल बच्चों और मैं आपको समझा रहा हूँ 28। हमारा काम है क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना, मकसद एक क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ के टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जैसे है तो ये नहीं होगा, इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस वन करिए। अब यहां तो माइनस माइनस वन माइनस टू और प्लस टू कैंसिल हो गए, वरना वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है बच्चों। लेकिन उसके बाद अब हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं सब क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ देना है। 28 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस cos 4x, ये है बच्चों इसका इंटीग्रेशन का, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस cos 4x, इसका इंटीग्रेशन होना है बच्चों। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ये हो जाता है बच्चों cos 2x, और ये हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस, ये हो गया बच्चों cos 2x, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर 2x, ये dx, ये इंटीग्रेशन, यानी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का फार्मूला होता है बच्चों cos 2x हाफ एंगल फार्मूला, और नीचे हमने cos 4x का हाफ एंगल फार्मूला 11 से लिया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल करने वाला फार्मूला लगा दिया। अब 1 से 1 कैंसिल करने के बाद ये बचा बच्चों, और ये बचने के बाद ये हो गया आपका cos 2x, और ये रूट 2 cos 2x हो गया बच्चों, अंडर रूट के बाहर 2 आ गया, अंडर रूट 2 आ गया, और cos स्क्वायर 2x का cos 2x हो गया, और ये बच्चों कैंसिल हो गया, और ये बच्चों 1 अपॉन रूट 2 और 1 इंटू dx हो गया, और ये हो गया बच्चों 1 अपॉन रूट 2 और ये x प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आ गया x अपॉन रूट 2 प्लस सी। ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है इंटीग्रेशन बुक से बिल्कुल मिलता ही जुलता आंसर दे, वो बातों पर चर्चा हम
बाद में कर लेंगे, लेकिन अब इसके बाद हम ये एकदम एक्सरसाइज का क्वेश्चन बच्चों एक और करते हैं अच्छा सा। और वो क्वेश्चन है जैसे कि सपोज एक बैग लगाते हैं 12th वाला, मुझे लग रहा है 12th वाला मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन 12th में। देखिए एक्सरसाइज का 12th और ये कहा गया है एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी, इसका इंटीग्रेशन करना है और ये इंटीग्रेशन करने में ये हो जाएगा एक्स की पावर 6 को लिख लिया जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया जाएगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ए, ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, और कैंसिल हो जाने के बाद ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और ये हो गया 5 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी बच्चों। ठीक है, ये आ गया बच्चों, ध्यान से देख लीजिए सब लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 1 का एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3। तो हमारा फिर मकसद वही रहा क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ मोड़ देने का। और अब नेक्स्ट देखिए बच्चों कि जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास उसे ध्यान से देखिए। हाँ तो बच्चों अब हमारे पास ये 48 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, और 48 नंबर के क्वेश्चन में ये कहा गया है कि f'x is equal to a sin x plus b cos x, और f'x 0-4 है और f0 3 है और f'y by 2 5 है, तो फिर fx निकालना है। और बच्चों हम लोग फिर वहीं पर हैं कि we know, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि f'x का इंटीग्रेशन fx plus c के इक्वल होता है बच्चों, ठीक, और ये बच्चों हो जाएगा a sin x plus b cos x dx, और fx plus c हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों a sin x plus b cos x a माइनस cos x प्लस b sin x प्लस c इसमें नहीं लगेगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों fx प्लस c। क्या था देखिए, ये और ये दे रखा है, चार चीजें दे रखी है, वी नो f(x) का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन fx प्लस c है, तो f(x) की वैल्यू लगा दी a sin x प्लस b cos x, और fx प्लस c अभी तक सी नहीं लगेगा, सर एक बार आ गया और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का sin x, और ये आ गया बच्चों। अब इसमें आपको a b c 3 वैल्यूज निकालनी है, इसलिए वो 3 ऊपर दे रखे हैं मैटर f'x 0-4 f0 3 और f5 by 2 5। अब देखिए बच्चों बोर्ड पर ध्यान से। हाँ तो बच्चों इसके आगे बढ़ते हुए हम माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को एफ एक्स प्लस सी ले लेंगे, माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को एफ एक्स प्लस सी ले लेंगे, माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को एफ एक्स प्लस सी ले लेने के बाद बच्चों ये आपने लिख लिया होगा, अब उसको फर्स्ट मान के उसमें एक्स जीरो लगाएंगे, एक्स जीरो लगाएंगे तो माइनस ए कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है और साइन जीरो जीरो होता है, और एफ जीरो प्लस सी बी की जीरो में मल्टीप्लाई होगी जीरो आ जाएगा, माइनस ए इक्वल टू एफ जीरो थ्री है तो सी आ जाएगा प्लस सी है, और ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। फिर फर्स्ट में एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लगाएंगे, ये सब क्यों लगा रहे हैं, एफ पाई बाई टू दिया एफ जीरो दिया है, माइनस ए बच्चों cos pi by 2, cos pi by 2 0 और sin pi by 2 1 होता है, ये b आ गया, f pi by 2 5 हो गया और ये c आ गया, ये इक्वेशन हो गई बच्चों हमारी 5 plus c minus b is equal to 0, और थर्ड नंबर हो गया बच्चों। लेकिन ये हमें तलाश किसकी है, a b और c की। अब आप वो जो इक्वेशन मैंने गिवन करके लिख रखा है, गिवन क्या है,
ये देखिए ध्यान से, एफ एक्स एक्स है, ए साइन जीरो प्लस बी कॉस एक्स, ए सॉरी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, एक्स जीरो लगा देंगे तो एफ डेल जीरो और ये साइन जीरो और ये कॉस जीरो हो जाएगा। साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो तो वन होता है, तो बी आ गया और एफ डेल जीरो फोर है, तो बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, फोर। सबसे पहले आपको कायदे में ये लिख लेना चाहिए, गिवन एफ एच एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, और अगर एक्स जीरो लगा देंगे तो इसमें बच्चों एफ डेल जीरो फोर हो जाएगा और ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू फोर आ जाएगा। फिर यहां आना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में एक्स जीरो लगा के एफ जीरो थ्री और सब वैल्यूज लगा के ये इक्वेशन और पाई बाई टू लगा के ये इक्वेशन बना ले। तलाश है ए बी और सी की। अब हम लोग क्या कहेंगे, ये इतना आपने फिर स्क्रीनशॉट लिया होगा बच्चों, और इसके बाद आप फ्रॉम टू पर आएंगे, फ्रॉम टू ये कहेंगे, फ्रॉम टू जो है वो हो जाएगा, या पहले थ्री, फ्रॉम 3 फाइव प्लस सी माइनस बी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी सी इज इक्वल टू माइनस वन, और इसमें c की वैल्यू इसमें लगा दीजिए तो a आ जाएगा फ्रॉम बच्चों 4 सॉरी 2, ये हो जाएगा c प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और बच्चों इसमें c की वैल्यू माइनस 1 लगा दी जाएगी तो प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू बच्चों माइनस 2, ये आ गया a इज इक्वल टू माइनस 2, और अब कुछ नहीं करना, सी आ गया और ए आ गया, और अब हम लोग नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अब आप फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए और उसमें ए बी और सी की वैल्यू लगा दीजिए, आपके पास ए बी और सी सब आ चुका है बच्चों, और ये फर्स्ट में लगा के वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन मेन होगा क्वेश्चन हमारे बताए हुए फार्मूले की तरफ मुड़ना, क्वेश्चन तक जाना और वहीं पर डिएंड करना, जो जो हम डायरेक्ट फार्मूले आपके पास भेजेंगे रिटिन में भी और उन्हें समझा के भी, अभी हमने जितने भी फार्मूले आपको भेजे हैं उन्हें आप डायरेक्ट लर्न करिए और वहां तक जैसे पहुंचाइए, जैसे टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसे किसमें चेंज कर लिया, सेट स्क्वायर एक्स माइनस वन में, और सेट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया और वन का एक्स हो गया, बस यहां तक ऐसे पहुंचा देने हैं इंटीग्रेशन को कि हमारे वो बताए हुए फार्मूले की तरफ बच्चों आ जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और आप ये सेकंड एक्सरसाइज करिए और इसके बाद फार्मूले फिर नए तरीके से आ रहे हैं, लेकिन वो लर्न नहीं करने हैं, वो इन्हीं से बने हैं फार्मूले, वही जो मैं पेपर पर रिटेन में दिया करूंगा वही डायरेक्ट यूज करने हैं, बाकी को फार्मूले नहीं माना जाएगा, तब पूरा क्वेश्चन करके दिखाना है। बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक।